दमोह में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने महज 6 घंटे के अंदर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पेट्रोल पंप पर लूट की यह वारदात बुधवार रात की है, जिसकी शिकायत सुबह पुलिस में पंप संचालक ने दर्ज कराई थी। पंप संचालक ने पुलिस को बताया कि आरोपी धर्मू यादव रात में पेट्रोल पंप पर आया, कर्मचारियों से मारपीट करते हुए करीब 3,500 रुपये लूट कर ले गया। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लिया और महज कुछ घंटों में ही आरोपी को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक आरोपी धर्मू शातिर अपराधी है और उस पर 30 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। हमारी तेजगढ़ द्वारा बताया गया कि धर्मू यादव को ग्राम धनाल की तरफ देखा है और उसको पकड़ भी लिया है। तब इसके द्वारा मैं वहाँ पहुँचा तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और SDP महोदय के मार्गदर्शन में आरोपी धर्मदास उर्फ धर्मू यादव निवासी खिलान सिंह यादव निवासी अवहाना को धारा 394 के तहत गिरफ्तार किया गया और उससे लूटी गई रकम 3400 रुपये में से 3330 रुपये बरामद की गई है। मोबाइल भी बरामद किया गया है, आधार कार्ड भी बरामद किया गया है, जिन्हें आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।